डियर स्टूडेंट्स, कल से एक पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है। पेड कोर्स इसलिए कि इसमें प्रोफेशनल एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा। आप अपने हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन कई बार जब कोई काम आप प्रोफेशनली करते हैं तो आपका स्किल बढ़ जाता है, आपका प्रेजेंटेशन बढ़ जाता है, आपका परफॉर्मेंस इनहांस हो जाता है। छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे, इतना बड़ा एग्जामिनेशन है और यह हम इसलिए कह रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन की तैयारी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स, 10 मार्क्स से इस एग्जामिनेशन को चूक जाते हैं, रिजल्ट में नहीं आ पाते हैं। मेरी ऐसी आशा है, उम्मीद है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी टीम भी ये समझती है कि अगर 90 का स्कोर इस बार आपका हो रहा होगा तो 100 टच करेगा। अगर 100 का स्कोर आपके होगा तो 105 हो सकता है, 80 होगा तो 95 हो सकता है, 60-65 होगा तो 90 से लेकर 100 के बीच हो सकता है। इन सब के लिए एक समग्र प्रयास कल से स्टार्ट हो रहा है। किसी भी बात को जब टोक दिया जाता है ना, तो उसका वैल्यू आपको पता चलता है, याद आ जाता है, आपके दिमाग में जाकर बैठ जाता है। छोटा सा उदाहरण देंगे, करंट अफेयर्स आप कर रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में मैगजीन में सब कुछ है, भरा पड़ा है। किसी कोचिंग में आप जा रहे होंगे तो इतना इतना कुछ आपको दे दिया जाता होगा, लेकिन उसमें कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कैसे पता चलेगा? छोटा सा एक उदाहरण देंगे, अभी दुनिया में, वर्ल्ड में 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो सबसे संवेदनशील बने हुए हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में आपको यूक्रेन का जियोपॉलिटिक्स और उसका जियोग्राफी भी जानना चाहिए। उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, किस महासागर नदी के किनारे वो व्यवस्थित है, उसकी जियोग्राफी, उसका हिस्ट्री, उसके नेताओं के नाम, ये सब आपको जानने चाहिए। दूसरा, इसराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, इन सारे क्षेत्रों को जो बहुत ही संवेदनशील सेंसिटिव एरियाज हैं, इसका जियोपॉलिटिक्स और इसका जियोग्राफी आपको जानना ही चाहिए। इसका मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। बुकर प्राइज 2024 का दे दिया गया है। बुकर प्राइज 2 कैटेगरीज में 2 नाम से दिया जाता है। एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है, जिसे मैन बुकर प्राइज भी पहले कहा जाता था, 2024 का दिया गया है। जर्मन लेखिका है, क्या नाम आपको याद है? बिहार स्पेशल में आप क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वन लाइनर करते जा रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं। गुरु प्रसाद सिंह को आप जानते हैं क्या? बैकुंठ शुक्ल को आप जानते हैं? कार्यानंद शर्मा को जानते हैं? हसन इमाम को जानते हैं? बत्तख मियां को जानते हैं? तो पर्सनैलिटी बेस्ड बिहार का जो हिस्ट्री है, बिहार का हिस्ट्री, उसमें पर्सनैलिटीज की बड़ी महत्ता है। ज्योग्राफी में आप कैसे पढ़ रहे हैं? रिवर सिस्टम, कैनाल सिस्टम, खनिज, माइंस हैं, रामसर साइट्स हैं, अनुसूचित जनजाति, संथाल, कोल विद्रोह, ये सब आपको अच्छे से करना है, सिर्फ ऐसे देख करके निकल नहीं जाना है। तो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं टोक देता है, कोई समझा देता है, कोई रोकता है, कोई इसको वैल्यू बताता है, तब पता चलता है कि अच्छा ये इतनी महत्व का है, अच्छा इसे हमें पढ़ना चाहिए, इसे समझना चाहिए। इसलिए पेड हो जाता है कि ये सब करने के लिए एक टीम चाहिए होता है। नोट्स कोई बनाकर दे रहा, कोई पीडीएफ बना रहा, कोई क्वेश्चंस बना रहा है, और इसीलिए ये पेड कोर्स हो जाता है। और जब भी पेड कोर्स होगा तो ये बात मानकर चलिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन एग्जामिनेशन में आप फंस रहे थे, तो आप निकल जाएंगे। मेरी ऐसी आशा है। जो लोग 85, 84, 80 की बात कर रहे हैं, उन्हें 90 से लेकर 100 के पीछे स्कोर आ जाएगा, ऐसी मेरी आशा है, ऐसा मेरा काम बोलेगा। आपको करंट अफेयर्स जनवरी से हम कराएंगे, अपने से कितना पढ़िएगा, हमारे ऑडियो वीडियो सुन लीजिएगा, काम करेगा, इसीलिए पेड कोर्स होता है। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा कि पेड कोर्स में काम बढ़ जाता है, हमारा बहुत सारा पीडीएफ होगा, हमारा वीडियोस होगा, हमारा होमवर्क सीरीज होगा, हमारा टेस्ट होगा। ये सब करने के लिए आप में भी फायर होना चाहिए, आग होना चाहिए। सिर्फ दिन रात ये सोचने से नहीं होगा कि एसडीएम बनना है, एसडीएम बनना है, उसके लिए प्रयास करना होगा। और कई बार अपने से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छा गाइडेंस, कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन, अच्छी तैयारी, अच्छा मार्गदर्शन, अच्छा मेंटरशिप आपकी आधी तैयारी करवा देता है। और इसीलिए हम जैसे लोगों का अगर थोड़ा बहुत भी कहीं पर अनुभव है तो उसका पेड कोर्स भी कई कई बार आता है, और ये नहीं आता है तो हमारे पुराने छात्र ही याद दिलाते रहते हैं। कई बार कोर्स स्टार्ट हो जाता है, पुराने छात्र कहते हैं सर आपने नंबर लिया था, आपने कहा था कि अगली बार आपको कॉल जाएगा, हमारे पास तो कॉल नहीं आया, हमें पता ही नहीं चला। और इसीलिए कई बार थंबनेल डाल करके हम पेड कोर्स के बारे में बता देते हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो आना चाहते हैं, जो बोलते हैं कि सर हमें बता दीजिए। कई बार फोन नंबर दे देते हैं कि सर ये फोन नंबर है, हमें कॉल करवा दीजिएगा, हमें बता दीजिएगा कि आपका कोर्स आ रहा है। तो एनीवे, सबका जो जिस्ट है वो ये कि जो कल से स्टार्ट होगा, रात में 9 बजे से स्टार्ट होगा। बहुत सारे लोग लास्ट मोमेंट में लेते हैं, तब फिर बहुत पैनिक होता है। बुक्स को भी रखिए, जो बहुत ही लिमिटेड बुक्स हम आपको बता रहे हैं, जो उसके साथ हम पेजेस देते हैं, और हमारा सब कुछ जो आएगा, कंटेंट आएगा, सब टेलीग्राम पे आएगा, ये सब चलेगा। इसे संभालना भी होगा, लेकिन ये तब होगा जब आपके पास स्टडी आवर होगा, आपके पास फायरी स्प्रिट होगा, और जीने मरने जैसी स्थिति होगी। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।